2017 को तुर्की और रशिया के दरमियान 2.5 बिलियन डॉलर की एक डील साइन हुई। इस डील के तहत रशिया तुर्की को 4 S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवर करे। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से डायरेक्ट किक आउट कर दिया था। 2017 के बाद ही तुर्की के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, लेकिन जो बाइडेन ये कहते थे कि हम तुर्की के रस्ते रशिया और ईरान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम तुर्की के रस्ते ही ईरान और रशिया की बढ़ती हुई ताकत को रोकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतलात ये है कि तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी लेने के लिए तैयारियां कर रहा है, और साथ ही तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हलूसी आकर ने ये भी कहा है कि न सिर्फ हम रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी की बात कर रहे हैं, बल्कि ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो बाइडेन काफी भड़क गए हैं। जो बाइडेन जो पहले तुर्की के साथ मिलकर अगले लेवल पर काम करने की सोच रहे थे, उनका सारा का सारा प्लान धरे का धरा रह गया है। मामलात क्या है, बड़ी डिटेल के साथ एक एक चीज समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2018 के अंदर तुर्की के पास पहला S-400 मिसाइल सिस्टम पहुंच गया था। तुर्की ने उसके बाद S-400 मिसाइल सिस्टम के टेस्ट करना शुरू कर दिए। जून 2020 के अंदर तुर्की ने एक ऐसा खतरनाक टेस्ट किया था, जिसके नतीजे में S-400 मिसाइल सिस्टम और अमेरिका का दिया हुआ F-16 की कैपेसिटी को कंपेयर किया था कि ताकत किसके अंदर ज्यादा थी। तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम से एक रॉकेट लॉन्च किया, दूसरी जानब अमेरिका का दिया हुआ F-16 को फजा के अंदर उड़ाया, तो देखते ही देखते S-400 मिसाइल सिस्टम का रॉकेट F-16 को टकराया और उसकी धजियां उड़ा दी, जिसके बाद अमेरिका के F-16 की जो मार्केट थी वो क्रैश कर गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में तुर्की के डिफेंस ऑफिशियल के ऊपर पाबंदियां लगा दी, उनके ऊपर वीजा ट्रेवल के ऊपर बैन लगा दिया था, जिसमें सबसे अहम नाम हलूसी अकर था, जिसके ऊपर अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, और अमेरिका ने हलूसी अकर को कत्ल करने का मंसूबा भी बनाया था, जो कि नाकाम हुआ। आज दोबारा तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हलूसी अकर दोबारा मीडिया पर आते हैं और ये कहते हैं कि हम रशिया से न सिर्फ S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप खरीद रहे हैं, बल्कि रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की जो ज्वाइंट प्रोडक्शन और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी बात कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि रशिया की फेडरल मिलिट्री टेक्नोलॉजी की एक तंजीम ने इस बात का दावा किया है कि जनवरी 2021 के दिनों से ही तुर्की और रशिया के दरमियान जो S-400 मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप के हवाले से बातचीत एडवांस लेवल पर पहुंच गई थी। इसके अलावा आपको ये बता दें कि तुर्की नेटो का मेंबर है, रशिया को भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से ले और नेटो के सारे मेंबरान को उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर। ठीक ऐसी ही इंटेंशन अमेरिका और नेटो वाले भी रखते हैं कि तुर्की हमारे जो हथियार हैं, जो नेटो के एग्रीमेंट के तहत तुर्की के पास है, वो तुर्की कहीं रशिया और पाकिस्तान ईरान जैसे ममालक के साथ शेयर न कर दे। बहरहाल तुर्की के तालुकात पहले नेटो वालों के साथ अच्छे थे और रशिया के साथ भी अच्छे, रशिया के साथ अब भी तुर्की के तालुकात अच्छे हैं, लेकिन नेटो के साथ बिल्कुल खराब हो चुके हैं। इस वजह से नेटो ने हाल फिलहाल के अंदर तुर्की को किसी किस्म का कोई वेपन नहीं दिया, और इस वजह से तुर्की खुद के ड्रोन बना रहा है, खुद के मिसाइल सिस्टम बना रहा है, खुद की वॉरशिप्स बना रहा है और खुद के मिसाइल बना रहा है, ताकि अमेरिका जैसे बड़े सुपर पावर को वो लगाम डाल सके।